डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया फाइट एचआईवी एसटीआई के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं कृतिका। इंडिया फाइट एचआईवी एसटीआई के पहले एपिसोड में हमने एचआईवी और एड्स के बारे में जाना कि ये बीमारी आखिर कैसे होती है, कैसे हम एचआईवी से खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके बाद अब आज के इस एपिसोड में एचआईवी की जाँच और उसका उपचार के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर चिन्मय दास जी। चिन्मय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि चिन्मय दास जी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में एडीजी के पद पर लंबे समय से कार्य कर रही हैं और एचआईवी की जांच और उपचार के क्षेत्र में भी लंबे समय से कार्य कर रही हैं। तो चिन्मय जी, एचआईवी को लेकर के हमने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आखिर ये कैसे फैलता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। अब आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उपचार के बारे में। तो चिन्मय जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि एचआईवी टेस्ट कैसे किया जाए और साथ ही इस टेस्ट में क्या ये टेस्ट सभी के लिए ज़रूरी है? एचआईवी जो टेस्ट किया जाता है, अगर किसी को रिस्क है जी, उन्हीं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें किसको रिस्क है जानने के लिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एचआईवी फैलता कैसे है जी। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी संक्रमित है और वो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से ये फैल सकती है। असुरक्षित यौन संबंध से ये फैल सकती है। अगर संक्रमित सुई या सिरिंज है, तो जिसकी साझा किया जा रहा है दूसरों के साथ जी, तो उससे भी फैल सकता है। और अगर माँ संक्रमित है एचआईवी से, तो उसके बच्चे को गर्भ अवस्था के समय, प्रसव के समय और स्तनपान के समय ये फैल सकता है। तो अगर इन इससे फैलने की किसी को कोई शंका है, तो वो ज़रूर अपनी एचआईवी टेस्ट कराएं जी। डॉक्टर चिन्मय दास, कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों में हम नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ लक्षण ऐसे हो जिससे कि हमें ऐसे पता चल जाए कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं, या हर किसी को ये टेस्ट कराना ज़रूरी है या अपनी लाइफ में एक दो बार ये टेस्ट कराना चाहिए? हर किसी को एचआईवी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन अगर किसी को शंका है इन मतलब रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन जिनको पता है और उनको पता लग रहा है कि मुझे शंका है एचआईवी का, तो वो ज़रूर अपने टेस्ट कराना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी को टीबी है या सिफिलिस है, तो उनको भी एचआईवी टेस्ट कराना आवश्यक होता है जी। अगर किसी व्यक्ति को अपना टेस्ट कराना है, तो उसे कहाँ जाना चाहिए अपना टेस्ट कराने के लिए? तो हमारे सरकार के जो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे एचआईवी स्क्रीनिंग की सुविधा है। लगभग 30,000 स्वास्थ्य केंद्र है हमारे देश में जहाँ पे एचआईवी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। और एक बार ये स्क्रीनिंग पॉजिटिव आए, तो उनको कंफर्मेशन के लिए, टेस्ट कंफर्मेशन के लिए ICTC भेजा जाता है। और ये जो ICTC है, इंटीग्रेटेड काउंसिलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स हैं, करीब 4,500 सेंटर्स हैं हमारे देश में, तो जहाँ पे इसके कंफर्मेशन होता है। और ये कंफर्मेशन के साथ परामर्श, जो काउंसलिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी प्रोग्राम की जी। डॉक्टर दास, एचआईवी को लेकर के जो जांच केंद्र हैं एचआईवी के, वहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटीज आम लोगों के लिए उपलब्ध हैं? जैसा मैंने बताया, फ्री है, मुफ्त है टेस्टिंग और काउंसलिंग। काउंसलिंग जो परामर्श बोलते हैं हम, काउंसलर्स बोलते हैं, तो वो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग दोनों करते हैं। इसके अलावा इन केंद्रों पर, जांच केंद्रों पर, टीबी और एसटीआई स्क्रीनिंग भी होती है। एक रिस्क परसेप्शन, मतलब किसको ज़्यादा जोखिम में कौन से व्यक्ति हैं, तो उसकी भी काउंसलर्स सवाल पूछ के उसकी जानकारी ले लेते हैं और उनको रेफर किया जाता है टीबी जांच के लिए या एसटीआई जांच के लिए। इसके अलावा इन जांच केंद्रों पर हमारे आईसी मटेरियल्स बहुत होते हैं कि एचआईवी प्रिवेंशन मैसेजेस दिया जाता है, और इन जांच केंद्रों पर फ्री कॉन्डोम भी अवेलेबल होता है फॉर प्रिवेंशन जी। जिस तरीके से आपने ये तो फैसिलिटीज बताई, लेकिन साथ ही जब प्रेग्नेंट वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं, तो उन प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्या एचआईवी टेस्ट कराना ज़रूरी है?
जो हमारे भारत सरकार की RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, उसके तहत हर प्रेग्नेंट वुमेन की पहली तिमाही जो होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उस पर HIV और सिफिलिस की जांच कराना आवश्यक है जी। ये उसकी गाइडलाइन, RCH की गाइडलाइन के तहत तो उनको ज़रूरी है कि हर प्रेग्नेंट वुमेन जांच कराए, क्योंकि अगर हम जल्दी पकड़ लेते हैं, किसी को पहले से पता नहीं है और हम HIV और सिफिलिस की जांच करके पॉजिटिव आती है, तो डेफिनेटली उनकी इलाज हम जल्दी शुरू कर पाते हैं, और अगर इलाज जल्दी शुरू करते हैं तो बच्चे को ट्रांसमिशन का बहुत कम चांसेस होता है। तो शिशु कई बार नेगेटिव भी पैदा होता है अगर माँ की इलाज बहुत अच्छी तरीके से हुई हो। जी, अभी तक की उसमें अगर देखा जाए तो क्या आपने ऐसा देखा है कभी कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो और वो HIV पॉजिटिव हो और उसने एक नेगेटिव बच्चे को जन्म दिया हो? कितने चांस, मतलब कितने परसेंट चांसेस होते हैं इसके? ये जो प्रेग्नेंट वुमेन जिनका कंट्रोल्ड है, वायरल लोड बहुत कम है उनके शरीर में, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे को HIV ट्रांसमिट हो। तो अगर वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो नियमित तरीके से रोज़ वो ले अपनी दवाइयाँ और वो अपनी जो भी डॉक्टर की सलाह है वो सारा माने, और अगर सिफिलिस है तो उसकी भी इलाज पूरी कराएं जी, तो फिर बच्चे को HIV या सिफिलिस होने का चांसेस बहुत 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 कम होता है, और बच्चा नेगेटिव भी पैदा होने का चांसेस, ये हमने देखा भी है, बहुत बच्चे नेगेटिव भी पैदा होते हैं। जी, कई बार जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से हम HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। तो क्या अब HIV हम पॉजिटिव हो गए, कोई भी व्यक्ति है और वो HIV पॉजिटिव हो गया तो उसे पता कैसे लगेगा? ऐसे तो आम व्यक्ति जैसे हैं वैसे कोई लक्षण तो ऐसा दिखता नहीं है जनरल पॉपुलेशन की, उसको पता चले कि मैं HIV पॉजिटिव, जब तक आप जांच ना कराएं। और अगर किसी को बहुत इम्यूनिटी लो है जिसकी वजह से उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे TB हो सकती है, बार बार डायरिया होता है, और या फिर मेनिनजाइटिस, इस तरह की बीमारियाँ होती है, तो उनके ये है कि जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है शरीर की, प्रतिरोधक शक्ति जो है, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो बहुत कम होता है जिनमें, तो उनको ये बार बार होता है, तो उन्हीं लोगों में हम कोशिश करते हैं कि उनकी एक बार ज़रूर HIV जांच कराया जाए, ताकि हमको पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसने कभी जांच नहीं कराया और उसको पता भी ना हो कि HIV है उसको। जी, HIV के अगर इलाज की बात करें तो इसका क्या वाकई कोई इलाज है, कोई एक प्रॉपर इलाज जिससे कि HIV जड़ से ख़त्म किया जा सके? HIV का कोई क्योर नहीं है कि ऐसे पूर्ण रूप से इलाज तो आज तक नहीं आया है जी, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो दवाई लेते हैं रोज़ाना, नियमित रूप से दवाई लेते हैं और डॉक्टर की बात मानते हैं और परामर्शदाता जो होते हैं काउंसलर्स उनकी बात मानते हैं, अच्छी तरह से पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, लाइफस्टाइल बिहेवियर भी अच्छा रखते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी ज़िंदगी जीते हैं, उनको सामान्य रूप से एकदम स्वस्थ जीवन शैली जो रखते हैं वो, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत लंबे समय तक वो जीते हैं, जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी हो गया, वहाँ पे भी आप लंबे समय तक दवाई लेते हैं, लेकिन ये इलाज की हम ऐसे बोलें कि ये दवाई ले लिया तो आप पूर्ण रूप से इलाज हो जाएगी और आपको दवाई बंद हो जाएगी, ये नहीं होती है, तो उनको आजीवन दवाई लेनी पड़ती है। यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म बीमारी है और लाइफ टाइम आपको इसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दास, जिस तरीके से देखा जाए तो ART भी एक शब्द है, मैं चाहूँगी कि उसके बारे में भी हमें और हमारे दर्शक को जानकारी दें थोड़ा। ART जिसको कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उसको बोला जाता है, कई जगह उसको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के नाम पे भी बोला जाता है, लेकिन हम थेरेपी बोलना इसलिए पसंद करेंगे, ट्रीटमेंट मतलब इलाज के साथ साथ परामर्श जो काउंसलिंग, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो हम ये ज़रूर बोलना चाहेंगे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मतलब काउंसलर्स की बात मानना उतनी ज़रूरी है जितना कि दवाई लेना। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो दवाइयाँ जो दी जाती है उसमें ये कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, इसमें दो तीन तरह की दवाई मिलाकर बनाई जाती है, तो वो कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती रहती है और पेशेंट को अपने उसके वायरल लोड बॉडी शरीर में कम किया जाता है उसकी वजह से। जी,
डॉक्टर दास, एचआईवी किसी भी व्यक्ति का एचआईवी रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है, अब उसके बाद में उसे लगभग कितने समय में अपना जो उपचार है वो शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है, भी पिछले एपिसोड में भी हमने बात की कि हम लोग थोड़ा हिचकते हैं किसी भी डॉक्टर से बात करने में एचआईवी को लेकर, तो हिचक को जो दूर करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो हमें लगभग कितने समय में इस बीमारी का इलाज शुरू कर देना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि परामर्शदाता जो होते हैं काउंसलर्स, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ही एक टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसके तुरंत बाद पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होता है, वो भी प्रोग्राम का बहुत, मतलब हर सेंटर जहाँ जांच केंद्र है वहाँ पे काउंसलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग में पहली बात उनको ये बताया जाता है कि आपको दवाई लेने के लिए एआरटी सेंटर जाना है, वो भी स्वास्थ्य केंद्रों पर होती है। हमारे देश में करीब 700 स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे एआरटी दवाइयाँ मिलती हैं देश में। तो ये काउंसलर उनको एआरटी सेंटर में भेजते हैं, और एआरटी सेंटर लिंक होने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, उनको तुरंत जितना जल्द हो सके दवाई शुरू की जाती है। जी, अगर कोई भी व्यक्ति दवाई उसकी बन गई है, उसने अपनी दवाइयाँ लेना शुरू भी कर दिया है, लेकिन इसी बीच वो भूल जाता है या किसी कार्यक्रम में शामिल होने के चक्कर में वो अपनी दवाई प्रॉपर नहीं ले पाता, तो क्या उसके बाद में वो उस डोज को डबल ले सकता है? नहीं, ये मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि एचआईवी की जो दवाई है उसको नियमित रूप से तो लेना ही है, लेकिन निर्धारित समय पर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई एचआईवी दवाई ले रहे हैं तो हम उनको ये बोलते हैं, काउंसलर्स सेंटर्स पे यही बोलते हैं कि आप अपने फ़ोन में एक अलार्म सेट करिए या अपने एक रिमाइंडर सेट करिए किसी भी तरीके से, ताकि आप उसी समय वो दवाई उस दिन का खुराक ले सकें। और अगर आपकी कोई कारणवशत आपका वो मिस हो गया उस दिन की दवाई लेना, तो उस समय का ना ले पाए तो दिन में जब भी याद आए ज़रूर ले लें, लेकिन अगला दिन दो डबल डोज बिल्कुल ना ले। जी डॉक्टर दास, कई बार कुछ लोगों को एचआईवी पॉजिटिव है लेकिन साथ ही कुछ चीज़ों से एलर्जी भी होती है, तो क्या ऐसे में ये जो दवाइयां हमें दी जाएंगी, किसी व्यक्ति को दी जाएंगी एचआईवी पॉजिटिव को, तो उन दवाइयों से किसी प्रकार की कोई एलर्जी या कोई साइड इफेक्ट? जब ये दवाइयाँ शुरू किया जाता है तो हमारे जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं एआरटी सेंटर के, पहले वो एक बेसलाइन टेस्ट करवाते हैं जिसके आधार पर उनको दवाई मतलब दिया जाता है। जैसे कि जिसका किडनी फंक्शन टेस्ट करे, लिवर फंक्शन टेस्ट किए, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, और उसके आधार पर उनको कौन सी गोली देनी है, कौन सी रेजिमेंट पे स्टार्ट करनी है, वो डिसाइड किया जाता है। और ये जो दवाइयाँ आजकल जो हमारी भारत सरकार से जो उपलब्ध हैं वो बहुत सेफ हैं, बहुत पोटेंट है, वेरी मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स, इतना कम साइड इफ़ेक्ट है कि लोगों को मतलब पता ही नहीं चलता। पहले जो दवाइयाँ शुरू शुरू में बता रही हूँ, 20 साल पहले जब दवाई शुरू हुई थी तब तो थोड़े से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे, आजकल की दवाइयों में बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सामान्य कभी चक्कर आया या नौजिया शुरू हुआ, वो तो शुरू के कुछ दिन में होती है, लेकिन उस टाइम दवाई बिल्कुल नहीं बंद करनी चाहिए, अपनी दवाई नियमित रूप से रोज़ाना लेनी चाहिए। और अगर समस्या कुछ ज्यादा लगे तो बिल्कुल जाके अपने चिकित्सक से परामर्श करें जी, और वो बताते हैं कुछ और इलाज करना है या उसके साथ कोई और दवाई देनी है, तो फिर मेडिकल ऑफिसर बताते हैं जी। डॉक्टर दास, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आम लोग जो होते हैं, हम लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि अगर किसी भी बीमारी में हमें आराम पड़ रहा है तो हम उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को सर्दी जुकाम है, एक हफ्ते की दवाइयाँ डॉक्टर की तरफ से दी गई, लेकिन अगर उसे 3 दिन में आराम पड़ गया तो वो 3 दिन के बाद ही अपनी दवाइयों को बंद कर देता है, तो क्या एचआईवी के केस में भी ऐसा ही है, हम दवाइयाँ अपनी आराम पड़ने के बाद में बंद कर सकते हैं? बिल्कुल दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, नियमित रूप से रोज़ाना ये दवाई लेनी चाहिए। अगर ये दवाई हम बंद कर देते हैं, इसकी दो पहलू मैं बताऊंगी जो दिक्कत होती है। पहली तो ये है कि एक ये ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, आपने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात तो सुनी होगी जी, जो एंटीबायोटिक भी हम फुल कोर्स लेने के लिए बोला जाता है मरीजों को कि आप आराम आने लगे, अच्छा लगने लगे तो दवाई बंद मत करिए,
पूरा कोर्स लीजिए बोला जाता है। जी, सिमिलरली एचआईवी मेडिसिन भी बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। और दूसरी पहलू इसका यह है, जब हम दवाई बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए, चाहे एक दिन या दो दिन या ज्यादा दिन के लिए, तो वो वायरस की मात्रा अपने शरीर में बहुत बढ़ जाती है। जी। जब अगर वायरस की मात्रा बढ़ गई शरीर में, तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर की कम हो जाती है, और जिसकी वजह से हमको और अन्य तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। तो इसीलिए कभी भी दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे आराम महसूस हो या फिर कोई भी छोटी मोटी साइड इफेक्ट हो, बिल्कुल दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। जी, सरकार की तरफ से एचआईवी की जागरूकता फैलाने के लिए तो कई सारे कार्यक्रम और अभियान चलाए ही जा रहे हैं, लेकिन क्या एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए भी किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं? हमारे जो एआरटी सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं सरकार की तरफ से। फ्री ट्रीटमेंट जो लाइफ लॉन्ग है, अभी मैं बता रही थी पूरी लाइफ आजीवन लेनी है, तो लाइफ लॉन्ग दवाई देने की हम भारत सरकार सुविधा रखी है। और अगर साथ साथ इन मरीजों को टीबी भी होता है, तो उसकी इलाज कराने के लिए भी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट जो है इन्हीं जांच के मतलब ट्रीटमेंट सेंटर्स पर रखी जाती है। और इसके अलावा बाकी उनका कोई भी बीमारी होती है, एसटीआईज हो गए, बाकी और कोई बीमारी हो गया, तो उसके रेफरल के लिए भी हमने रेफरल लिंकेजेस बना रखी है जी। कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए कहाँ पे भेजना है, कौन से चिकित्सक के पास ये भेज सकते हैं, कैसे इलाज हो सकती है, उसकी पूरी प्रावधान हमने कर रखी है। इसके अलावा टीबी जिनको ना हो, क्योंकि हम जैसे मैं बता रही थी इनको इम्यूनिटी लो होने की वजह से सबसे कॉमन इलनेस जो होती है वो होती है टीबी इन हमारे पेशेंट्स के लिए जी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको जिनको टीबी नहीं है तो उनको टीबी आगे जाके भी ना हो, उसके लिए टीबी प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट जो होती है वो हमारे टीबी प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस है उसके तहत जो दिया जाता है, वो भी उसकी सुविधा भी हम रखते हैं इन एआरटी सेंटर्स पे। इसके अलावा जो काउंसलिंग है, ड्रग अडियरेंस हो गया, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो गया, न्यूट्रिशन काउंसलिंग हो गया, तो ये सब के बारे में भी काउंसलिंग की जा रही है। और बाकी जो वायरल लोड टेस्टिंग होती है, CD4 काउंट टेस्टिंग होती है, जिसके तहत हम मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि हमारी ये जो दवाई दी जा रही है कितनी इफेक्टिव है, तो उसकी टेस्टिंग के प्रावधान भी हमारे इन एआरटी सेंटर्स पे है। इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स जो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं, कई जगह उनको कुछ निशुल्क आने जाने की सुविधा होती है, कई जगह पोषण के लिए कुछ पैसा दिया जाता है, कई स्टेट्स में उनको कुछ और सुविधाएं दी जाती है। ये स्टेट्स राज्य स्पेसिफिक, राज्य सरकार के तहत ये नियंत्रित किया जाता है कि कौन सी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम से लिंक करा जाए, उसकी भी हम इन्हीं एआरटी सेंटर्स के थ्रू ये करवाते हैं। जी, अभी आपने बात की टीबी को लेकर के, तो क्या एचआईवी और टीबी इन दोनों में आपस में कुछ कनेक्शन भी है क्या? हाँ, यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि जब कोई एचआईवी संक्रमित व्यक्ति होता है जिसका इम्यूनिटी लो होता है, तो उसको टीबी होने के बहुत चांसेस होते हैं। वैसे ही तो उसको टीबी हम हर बार उसके हर मंथली विजिट पे या जब भी वो स्वास्थ्य केंद्र आए तो हम कोशिश करते हैं कि उसके टीबी स्क्रीनिंग भी हम कर लें। टीबी बीमारी के जो भी लक्षण हैं हम पूछते हैं और हर बार जांच कराने की भी कोशिश करते हैं अगर कोई लक्षण निकले तो। इसके अलावा जो टीबी पेशेंट्स हैं उनका भी एचआईवी टेस्टिंग आवश्यक है जी। तो उसके लिए हमने दोनों प्रोग्राम्स के बीच, ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम हो गया, एचआईवी का प्रोग्राम हो गया, दोनों के बीच हम रेफरल लिंकेजेस भी बना चुके हैं जी। और हम कोशिश करते हैं कि टीबी के मरीज का एचआईवी जांच हो, एचआईवी मरीज का टीबी जांच हो जी। और टीबी ना हो उसके लिए भी हम दवाई देते हैं। बिल्कुल, यानी कि पूरा ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन साथ ही लोगों तक कैसे पहुंचा जाए इस ट्रीटमेंट के साथ में, क्योंकि आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में अभी जागरूकता वहां तक नहीं पहुंची है, तो सरकार की तरफ से क्या अभियान है ऐसे, और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे पहुँचा जा रहा है? तो हमारे ये जो एचआईवी स्क्रीनिंग टेस्ट्स हैं ये हर स्वास्थ्य केंद्र, जैसे मैंने बताया, अप टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल भी अवेलेबल हैं। और जो हमारे VHNDs होती हैं, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज होती हैं RCH प्रोग्राम के तहत, वहाँ पे भी हम कैंप मोड पे HIV स्क्रीनिंग करवाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचने के लिए हमारे कुछ कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग ये भी होती हैं,
और हम बहुत तरह की मैसेजिंग करते हैं डिफरेंट माध्यम से, कहीं भी मिड मीडिया फोक लोर से, फिर कैंपेन्स भी बहुत करते हैं ताकि हम हर स्तर तक पहुंच सके, चाहे ग्रामीण हो चाहे अर्बन एरियाज हो। जी, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो हमारे देश के जो युवा हैं आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं, और युवाओं में HIV को लेकर के खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ऐसे उनको लेकर के आप क्या कहेंगी, किन चीज़ों का ध्यान वो लोग रखें अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में? बस हमारा यही मैसेज है, उनको पता होना चाहिए कि HIV कैसे फैलती है। जी, एक बार आप जाने कि कैसे फैलती है तो आप जानेंगे कि रोकना भी कैसे है। जी, सो रूट ऑफ ट्रांसमिशन की जानकारी देने के लिए हमारे बहुत माध्यम से, हम बहुत तरीके से भी कोशिश करते हैं सब युवा लोगों को पहुंचने के लिए, सोशल मैसेजिंग के थ्रू हो, सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी हम हायर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो एक, अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1097, जो हम चाहते हैं कि इस नंबर पे भी युवा को कोई भी मन में क्वेश्चन हो अबाउट HIV प्रिवेंशन हो गया, टेस्टिंग हो गया, ट्रीटमेंट या कोई भी उसी के रिलेटेड हो, तो 1097 टोल फ्री नंबर पे वो फ़ोन करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी डॉक्टर दास, आज की तारीख में तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आपके नाकों के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक समय वो भी था जब लोग इस बीमारी का नाम तक सुनने से डरते थे, तो तब के समय में और आज के समय में कितना अंतर आपको नजर आता है? पहले लोगों को जानकारी नहीं थी ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, और लोगों के मन में एक बहुत डर बैठा हुआ था कि अगर मैं HIV पॉजिटिव हो गया तो ये डेथ सेंटेंस है, ये मैं पहले की बात कर रही हूँ। जी, लेकिन अब हमारे पास इलाज है और हमको पता है कि जागरूकता कैसे फैलानी है लोगों में, और अगर हम जान जाते हैं इस बीमारी का कि रोकथाम कैसे हो सकती है, और इसको अगर शंका हो तो जांच कहाँ करना चाहिए और कैसे इलाज करनी चाहिए और पूरी आजीवन इलाज करानी चाहिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिसिबल, अगर आपकी ब्लड पे वायरस है नहीं तो आप ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते दूसरे को, और अगर कोई एक बार HIV संक्रमित व्यक्ति हो गया है जो इलाज जिसके चल रही है, तो पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये अब दवाई लेके पूर्ण रूप से दवाई लेके तो वो अपने वायरस जो फैलने से रोके अपने शरीर के अंदर, ताकि वो ट्रांसमिट ना करे दूसरे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चिन्मय दास जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना है कि कैसे हम HIV/AIDS का उपचार करके खुद को और लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। HIV को अपना सबसे बड़ा दुश्मन हमें बनाना है, एड्स से लड़ना है, अपने जीवन को नहीं खोने देना है और HIV से दूर रहना है। इसी भरोसे के साथ में आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।